नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससी ईस्ट बंगाल एफसी और हैदराबाद एफसी के खिलाफ जो मैच है उसी के प्री मैच कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो दोस्तों, दोनों कोचेस का इंटरव्यू लिया गया, तो दोस्तों दोनों कोचेस ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, Amazon लेकर आया है आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका जहां पर आप ब्रांडेड चीजें बहुत ज्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, पीएसजी, इन जैसी बड़ी टीमों का जर्सी आप बहुत ज्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों, फुटबॉल बूट्स, जर्सी, फुटबॉल से रिलेटेड सारी चीजें अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल ब्रांडेड जर्सी बूट्स आपको मिल जाएगी, Amazon पर अवेलेबल है और आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हो। और दोस्तों, अभी आप शॉपिंग करना चाहते हो तो इन सारी प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है Amazon पर, आप फुटबॉल से रिलेटेड सारी किट्स बहुत ही ज़्यादा कम दामों में बाई कर सकते हो। तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, इन सारी प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मारियो रिवेरा से पूछा गया कि आपका एज ए हेड कोच हैदराबाद एफसी के खिलाफ दूसरा मैच है और आप हैदराबाद एफसी टीम के लिए क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों, मारियो रिवेरा ने कहा कि हैदराबाद एफसी इस सीज़न बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अभी पॉइंट्स टेबल में वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है और उनके पास फॉरेन प्लेयर के साथ साथ इंडियन प्लेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो हमारा मैच इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करके 3 पॉइंट लेने की। और दोस्तों, उसके बाद फिर से मारियो रिवेरा से पूछा गया कि हैदराबाद एफसी का अटैकिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, हैदराबाद एफसी का अटैकिंग लाइन इस सीज़न बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो मारियो रिवेरा ने कहा कि हाँ, बिल्कुल हैदराबाद एफसी का अटैकिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास ओगबेचे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही अच्छा अटैक में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पिछले कई सारे मैचेस से आपने देखा होगा कि हमारे डिफेंडर्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और हमारा टीम का मोराल बहुत ही ज़्यादा अप है और हम बिल्कुल इस मैच के लिए तैयार है और वाकई में हैदराबाद एफसी का अटैकिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए हमारे पास बेस्ट डिफेंडर मौजूद है जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फॉर्म में भी है। और जैसा हमारा टीम का डिफेंडिंग रहा है पिछले कई सारे मैचेस से, तो हम बिल्कुल इस मैच में उतरने से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और हमारी टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और कोशिश करेगी 3 पॉइंट लेने की। तो दोस्तों, उसके बाद फिर से मारियो रिवेरा से पूछा गया, क्या आपको लगता है कि आपकी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। तो मारियो रिवेरा ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हमारे टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। आगे हमारी टीम ने बहुत सारी पॉइंट नष्ट किया है, लेकिन यहाँ से अगर हम कम बैक करते हैं तो हमारे पास भी चांस है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि अभी लीग टेबल बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हमारी टीम यहाँ से अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, पॉइंट नष्ट नहीं करती है, तो हमारे पास भी चांस है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए और हम इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज वाला बात है। और दोस्तों, उसके बाद हैदराबाद एफसी के कोच मैनोलो मार्केस से पूछा गया कि आप एससी ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो मैनोलो मार्केस ने कहा कि एससी ईस्ट बंगाल एफसी बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और पिछले कई सारे मैचेस से वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और पिछला मैच उन्होंने जीता है तो उनका मोराल बहुत ज़्यादा अप है, उनके प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे इस मैच में उतरने से पहले। तो हमारी टीम भी तैयार है इसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि हम एससी ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ 3 पॉइंट निकाले, लेकिन हमारी टीम कोशिश करेगी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की और 3 पॉइंट लेने की। और दोस्तों, उसके बाद फिर से मैनोलो मार्केस से पूछा गया कि आपके पास लीग के 2 बेहतरीन ऑफेंसिव फुल बैक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस डाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपकी टीम को कितना फ़ायदा होगा। तो मैनोलो मार्केस ने कहा कि जी हाँ, हमारे पास लीग के 2 बेहतरीन ऑफेंसिव फुल बैक है जो अटैक में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके नाम बहुत ज़्यादा क्रॉसेस भी हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि आपने कितना ज़्यादा क्रॉसेस किया है, बात यह आ जाता है कि आपके क्रॉसेस में कितना ज़्यादा क्वालिटी है और उससे हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है।
तो दोस्तों प्री मैच कॉन्फ्रेंस का जो मेन क्वेश्चन आंसर था मैंने आप सभी को वही बताने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू सुनने में अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा अपडेट है एंटोनियो पेरोसेविच को लेकर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो एंटोनियो पेरोसेविच को 5 मैच का बैन लगा था, लेकिन अब एंटोनियो पेरोसेविच का 5 मैच का बैन हट चुका है, 5 मैच उनका कंप्लीट हो चुका है। तो हैदराबाद एफसी के खिलाफ जो आज मैच होना है एससी ईस्ट बंगाल एफसी का, तो उस मैच में अवेलेबल रहेंगे एंटोनियो पेरोसेविच। और देख सकते हो आप एंटोनियो पेरोसेविच ने प्रैक्टिस भी ज्वाइन किया है एससी ईस्ट बंगाल एफसी के फुल स्क्वाड के साथ। तो बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों एंटोनियो पेरोसेविच के लिए और साथ ही कोच मारियो रिवेरा के लिए। तो दोस्तों एंटोनियो पेरोसेविच से इंटरव्यू लिया गया था प्रैक्टिस सेशन के दौरान। तो दोस्तों एंटोनियो पेरोसेविच से सबसे पहले इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है कि आपसे 5 मैच का बैन अब हट चुका है। तो एंटोनियो पेरोसेविच ने कहा कि जब मुझे 5 मैच का बैन लगा था तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, मैं अपने टीम के साथ नहीं था, मैं अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझसे अब 5 मैच का बैन हट रहा है और मैं अपने टीम के लिए 100% दूंगा और मैं अपने नेक्स्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और उसके बाद दोस्तों पूछा गया पेरोसेविच से कि आप नए कोच मारियो रिवेरा के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो पेरोसेविच ने कहा कि मारियो रिवेरा बहुत ही अच्छे कोच है, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तो हमारा टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है और हमने पिछला मैच जीता है और हमें प्रैक्टिस के दौरान मारियो रिवेरा बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस और साथ ही मोटिवेट भी कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करें। तो मारियो रिवेरा बहुत ही अच्छे कोच है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके अंडर में मैच खेलने के लिए। तो चलिए दोस्तों जो भी इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन आंसर हुआ कोच और साथी पेरोसेविच से मैंने आप सभी को शॉर्ट में बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।